इसके ऊपर गेस्ट्रे में क्या होता है क्रॉप जो आप डालते हैं ग्रीन ईल्ड हार्वेस्टेड, ठीक है, इसमें इसको कर दिया जाता है। ठीक, ये दिख रही है आप, क्या दिख रही है, ये पर दिख रहा है। ठीक, ये चैम्बर होता है, वहाँ से अब हम यहाँ से हीट देंगे, दिख रहा है, ये हीटिंग के लिए ये वाटर बॉयल होगा, और वाटर बॉयल होता है तो क्या ऊपर जाता है वाटर वेपर, हाँ सही है, हाफ जाएगी तो इसमें मिक्स होगी इंड में, फिर इंड से जब वो टेम्परेचर पड़ेगा तो इंड के जो पत्तियाँ होती हैं, जो ग्रीन हार्वेस्ट होती है, जो कैनोपी फोलियर होता है, उस फोलियर से स्टीम उठेगी, तो 1000 डिग्री टेम्परेचर का बनेगा इसमें जब ये बॉयल होगा कायदे से पूरा, समझे, तो वो 1000 डिग्री की स्टीम, टेम्परेचर की स्टीम जब इसमें से पास होगी तो उसको ठंडा होने के लिए तो चाहिए ना, अगर ठंडा नहीं होगी तो ऐसे निकल जाएगी, ऑयल फिर पाएंगे नहीं आप, तो ये चैम्बर बनाया गया उसके लिए, इसको बोलते हैं कंडेंसर। इसमें यहाँ से आने के बाद यहाँ एक कॉइल होती है ऐसे राउंड में, ठीक है, गिर जाओ आप, वो 1000 टेम्परेचर की जो स्टीम वहाँ जनरेट होके इस आउटलेट से इसमें आ रही है कंडेंसर में, वो ऐसे ऐसे घूमती है, और एक ये देखिए और ये देखिए, दिख रहा है दो आउटलेट, वो आउटलेट है, ये इनलेट है पानी का, इससे पानी अंदर जाता है, उससे पानी बाहर निकलता रहता है, अभी नहीं बंद, अभी बंद है क्योंकि अभी प्रोसेस चल नहीं रहा है, अगर जैसे चलेगा तुरंत इसको ऑन करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए, तो पानी लगातार सर्कुलेट होता रहता है, इस सर्कुलेशन की वजह से ये चैम्बर ठंडा होता है, और जो 1000 डिग्री टेम्परेचर की स्टीम बन के आती है ऑयल को और वाटर वेपर को मिक्स करके एक साथ में, वो यहाँ पर कंडेंस हो जाती है, कंडेंस मतलब ठंडी हो जाती है, लिक्विडिफाई हो जाती है, फिर वो यहाँ से इस सेपरेटर में गिरती है, इसको बोलते हैं सेपरेटर, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको सेपरेटर बोलते हैं, ठीक, ऑयल सेपरेटर। अब इस सेपरेटर से ऑयल निकाला जाता है, कभी ध्यान दिया है, कोई भी ऑयल पानी के ऊपर होता है, बेसिकली जितने ज़्यादातर मेजर ऑयल्स हैं जो पानी के ऊपर होते हैं, क्यों होते हैं, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, वेरी गुड, बहुत कमाल हो रहा है। देख आप, ये दिख रही है एक आउटलेट, एक ये दिख रही है, इसका कहीं कोई पाइप नहीं होता, ये सिर्फ यहीं पर इनबिल्ट है, ठीक है, इसका यहाँ तक होता है पाइप, ठीक, इसको अगर हम स्टॉप कर दें, पानी निकलना बंद हो जाए, इधर से पानी गिरता रहे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल को हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है, और बाद में पानी घर से निकाल लेंगे, एज सिंपल एज दैट, समझ में आ गया, पूछेंगे तो बता लोगे ना, इसको बंद करेंगे ऑयल निकालने के लिए, इधर से पानी डालेंगे, ऑयल ऊपर आएगा, पानी भारी होता है नीचे जाएगा, ऑयल ऊपर आएगा, इधर से ऑयल निकाल लेंगे, हो गया सेपरेशन, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि अगर इस सेपरेटर में पानी यहाँ से ज़्यादा इतना भर दिया जाए, ठीक, उसके बाद पानी डाला जाए, इतना पानी ऑलरेडी और तेल थोड़ा सा आया था लेकर दिया 100 ग्राम मान लो, यहाँ तक पानी इसमें 100 ग्राम तेल है, आप अगर हम इसमें पानी डालें इसको बंद कर दें तो क्या ऑयल निकलेगा कि दोनों मिक्स होकर निकलेंगे, मतलब ऑयल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये निकलेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट मेरा समझ गया।